अब ये नंबर डाल दिया सॉस, डार्क चॉकलेट सॉस। ओए अभी ओके, तो अभी इसके बाद क्रीम डाल रहे हैं और ये जो है इन्होंने एंड में इसको टॉप कर दिया क्रीम। संडे बन रहा है, इसके बाद आइसक्रीम डाली है इन्होंने। अब इसके ऊपर डाल रहा है चॉकलेट सॉस और अभी इसके ऊपर डाल रहे हैं ओरियो क्रम्स। और क्या कहते हैं, पूरा इन्होंने भर दिया इसको ओरियो क्रम्स से, फिर से डार्क चॉकलेट सॉस और अब जो है इसके ऊपर डाल रहे हैं क्रीम और एंड में लगा दिया इन्होंने इसके ऊपर ओरियो। रमजान की रौनकें चल रही हैं और फिर इतनी चाहते हैं इफ्तारी के बाद वो आ गए, कुछ मीठा खाए, कुछ ठंडा खाए। आज हम लोग इसलिए आ गए हैं बड़ी रेस्टोरेंट की दुकान पर। भाई इनकी रावत और इस्लामाबाद में ऑलरेडी ब्रांचेज हैं, लेकिन अभी तो कराची में भी आ गए, तो हमने कहा तीनों इनको ट्राई करें। तो इन पर काफ़ी ज़्यादा वेराइटी है आइसक्रीम की, शेक्स की, तो हमने कहा यहाँ पर आते हैं। और यार इफ्तारी के बाद वैसे ही बहुत दिल चाह रहा था इस तरह की कुछ चीज़ें ट्राई करने का, चले देखते हैं क्या क्या है इनके पास। और शायद तो अभी ये शेक बना रहे हैं, हम लोगों ने ऑर्डर शेक का दिया था तो ये चॉको शेक बना रहे हैं, डाल दिया है। अब इसके ऊपर ये आइसक्रीम डाल रहे हैं, अब ये नंबर डाल दिया सॉस, डार्क चॉकलेट सॉस। ओए अभी ओके, तो अभी इसके ऊपर क्रीम डाल रहे हैं और ये जो है इन्होंने एंड में इसको टॉप कर दिया क्रीम से। अच्छा भाई, तो ये जो हमने मंगाया है ये चॉको फज शेक, जो कि मैंने अभी तक ट्राई तो नहीं करा है, लेकिन देखने में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और ऑसम लग रहा है, हेवी लग रहा है। चले हम इसको ट्राई करते हैं। बहुत मज़ेदार शेक है, मैंने आज तक बहुत शेक किया है, ओरियो शेक, किटकैट शेक, फला शेक, लेकिन ये शेक जो है ना मैंने इस तरीके का पहली मतलब है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके अंदर नट्स भी डले हुए और साथ ही साथ इसके अंदर चॉकलेट आइसक्रीम, ऊपर से टॉपिंग भी हुई। ओरियो संडे बन रहा है, इसके बाद आइसक्रीम डाली है इन्होंने। अब इसके ऊपर डाल रहा है चॉकलेट सॉस और अभी इसके ऊपर डाल रहे हैं ओरियो क्रम्स। और क्या कहते हैं, पूरा इन्होंने भर दिया इसको ओरियो क्रम्स से, फिर से डार्क चॉकलेट सॉस और अब जो है इसके ऊपर डाल रहे हैं क्रीम और एंड में लगा दिया इन्होंने इसके ऊपर ओरियो। अच्छा भाई, तो ये दूसरी चीज़ हमारे पास है, ये है ओरियो संडे। तो यार ये देखने में तो बहुत ही वही ओजी चीज़ लग रही है, हम इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या सीन है इसका। इसके बाद इन्होंने आइसक्रीम है चॉकलेट की और पूरी टॉपिंग है चॉकलेट की, ओरियो चंक्स है, सिरप है, देखते हैं। यार एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है टेस्ट का, चॉकलेट का साथ में ओरियो, और जो है ना बीच में वनीला आइसक्रीम भी इसके अंदर डाली है, तो बहुत आला सीन है यार। ये दिल्ली के पास बहुत अच्छी वैरायटी है आइसक्रीम की, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर आया। अच्छा सीन है यार, रोजे के बाद अगर सारे बंदा यहाँ पर आ जाए ना। अच्छा तो भाई आप हमें ये बताएं कि जो आपका बड़ी आइसक्रीम है तो ये कब से चल रहा है, आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया? सर ये भाई हमारी स्टार्टिंग है 2020 की और इस्लामाबाद से है, इस्लामाबाद में है, मरी में है, लाहौर में है और बैरिया टाउन इस्लामाबाद में है, कमर्शियल मार्केट है पिंडी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और अभी हमें इधर आए हैं तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं। अच्छा, तो बाकी माशाल्लाह अच्छी है आइसक्रीम, जो भी आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये बताएं कि यहाँ पर जो भी कस्टमर आते हैं, जो भी लोग आते हैं, वो सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा फ्लेवर करते हैं वो लोग? जी भाई हमारी जो ज़्यादा रेगुलर चीज़ें चलती हैं वो हमारी ब्राउनी में है और शेक्स हैं, और ये हमारी स्पेशल चीज़ें जो है ये नॉन्डार फाइट डिलाइट है, बड़ी स्पेशल फालूदा है, ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और ब्राउनी में जो चीज़ें स्पेशल हैं वो सारी हमारी स्पेशल। अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों ने ट्राई कराएगा ओरियो संडे और चॉको शेक, जो कि दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो हम लोग जा रहे थे लेकिन इन्होंने हमें रोक लिया और बोला कि भाई आप लोग हमारी स्पेशलिटी जरूर ट्राई करके जाए, जो कि अफगान डिलाइट डार्क फज। तो भाई अब देखें, इन्होंने हमें खास तौर पर चीज़ रिकमेंड करी है, देखते हैं उसके क्या सीन है, बनाएंगे अभी ये तो चेक करते थे। अभी बना रहे हैं डार्क डिलाइट फज, जिसके अंदर चॉकलेट सिरप डाल चुके हैं और अब इसके अंदर आइसक्रीम भी डल चुकी है, और उसके ऊपर गर्मा गर्म ब्राउनीज डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही औसम लग रही है और इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आने वाला है आइसक्रीम के साथ। अब ये इसके ऊपर जो है नट्स डाल रहे हैं और अब इन्होंने इसके ऊपर डार्क चॉकलेट सिरप भी डाल दिया है, सम मोर चॉकलेट सिरप, और अब ये इसके ऊपर आइसक्रीम डल चुकी है और दोबारा से इसके ऊपर ब्राउनी डल रही है, और अब ये इसके ऊपर एक वेफर डाला है इन्होंने और इन्होंने एक ओरियो लगाया है, और अब ये इसके ऊपर दोबारा से चॉकलेट सिरप डाल रहे हैं, जो कि अब बहुत मज़ेदार लग रहा है, चॉकलेट लवर बिल्कुल उसको पसंद करने वाले हैं। ओह अच्छा, इन्होंने दोबारा इसके ऊपर डार्क चॉकलेट सिरप भी डाल दिया है, अब ये फुल चॉकलेटी हो गया है ये डार्क डिलाइट फज, और अब इन्होंने एंड में इसके ऊपर क्रीम भी डाल दी है और इसको कंप्लीट कर दिया। ओए होए होए, तो यार ये इन्होंने बना कर दिए, कोई इनकी सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ है अफगान डिलाइट डार्क फज। तो यार मैंने इसको बनते हुए देखा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गई हैं यार, इसके अंदर ब्राउनीज गई हैं, इसके अंदर ब्लैक फॉरेस्ट चंक्स गए हैं, इसके अंदर ओरियो चंक्स हैं, बहुत ही आला चीज़ है, और लाइक जो लोग चॉकलेट लवर्स हैं उनको ये डेफिनेटली पसंद आने वाली है बहुत। अब इसको ट्राई कर लेते हैं, उससे तो वेट भी नहीं हो रहा।
जो ब्राउनी डाला है वो केक आ रहा है इसके अंदर, सारे जो इन्होंने सिरप डाले हुए, सॉस डाले हुए, चॉकलेट बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये चीज़ तो बड़ी दिनों में असम बना कर दे दी है, मतलब कम्प्लीट डिफरेंट चीज़ें, मैंने ऐसी चीज़ नहीं खाई आज तक, मतलब ब्राउनी का एक टेस्ट आ रहा है, ब्राउनी भी है तो ब्राउनी की सॉफ्टनेस भी आ रही है, और उसमें ओरियो की मतलब ओरियो भी आ रहा है, मतलब क्रंची व्रंची ओरियो भी आ रहा है, मतलब इट्स ऑल अ मिक्सअप, मतलब बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़ा आया यार खाकर। अच्छा तो भाई ये था हमारा एक बहुत कैजुअल सा व्लॉग, और मतलब हमने सोचा था कि अफ्तारी के बाद हम लोग कुछ खाने पीने आएंगे, तो मैंने बोला कि साथ साथ हम लोग उसका व्लॉग भी कर लेंगे। और ये मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा बड़ीज आइसक्रीम, और उसका जो एड्रेस है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगा। और हाँ, हमारे रमजान की स्किट बहुत जल्द आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड, और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।